नमस्कार, आप देख रहे हैं दादस्तक 24। आज समाज अंधविश्वास जैसी कई परंपराओं में जकड़ा हुआ है। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में अंधविश्वास विरोधी अधिनियम पूर्णतः पारित हुआ। यह विवादित अंधविश्वास विरोधी अधिनियम वर्ष 2017 में पारित किया गया था। इसे 6 दिसंबर 2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई तथा वर्तमान सरकार द्वारा 4 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम को राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस अधिनियम में एक दर्जन से अधिक अंधविश्वासों को रेखांकित किया गया है। हालांकि मसौदे के सार्वजनिक होने के बाद कई विपक्षी दलों ने इसका धार्मिक आधार पर तीव्र विरोध किया। शुरुआती मसौदे में कुछ इस प्रकार की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे पुजारियों को पालकी में ले जाना, धर्मगुरुओं की चरण वंदना करना, मदे स्नान को रोकना। मदे स्नान एक दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में प्रचलित एक परंपरा है, जहां श्रद्धालु अपनी मनौतियों को पूरा करने के लिए पुजारियों द्वारा खाए गए भोजन के अवशेषों पर लौटते हुए स्नान करते हैं। हालांकि मदे स्नान को स्वैच्छिक कर दिया गया है। वास्तु ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोगों को आग पर चलने के लिए मजबूर करना, लोगों को दुष्ट घोषित करके उनकी पिटाई करना, इसमें अब सजा का प्रावधान हो गया है। अब यह अधिनियम न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास तथा न्यूनतम 5,000 से अधिकतम 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। इस कानून को राज्य के पुलिस विभाग द्वारा पुलिस स्टेशनों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के साथ लागू किया जाना है। अंधविश्वास जैसे गंभीर विषय पर हम बात करेंगे बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी से। आप आए दिन कई देशों का भ्रमण करते हैं और उन देशों में जाकर वहाँ के समाज, धर्म, संस्कृति, व्यापार और पर्यावरण इत्यादि पर अध्ययन करते हैं। मंत्री जी, अंधविश्वास जैसे गंभीर मुद्दे पर हम बात करने के लिए एक साथ आए हैं। देश को और समाज को इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी चाहिए, जिस पर जी कुछ शक्तियाँ उस पर रोक लगाने की बात करती हैं। जी जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि प्राचीन काल से ही दुनिया में अंधविश्वास व्याप्त रहा है। जी। अंधविश्वास एक तर्कहीन विश्वास है जी, जिसका आधार अलौकिक प्रभावों की मनगढ़ंत व्याख्या है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश भारत में दो तरह के लोग हैं, एक तो ईश्वरवादी, दूसरे विकासवादी। जो लोग ईश्वरवादी हैं वो अंधविश्वास को फैलाते भी हैं और उनके पोषित भी हैं, और जो विकासवादी लोग हैं उनके जीवन में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। अशिक्षित समाज जब तक रहा तब तक अंधविश्वासों में झगड़ा रहा, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि शिक्षित समाज होने के बावजूद भी वो महा अंधविश्वासी है। इसके लिए हम कहना चाहेंगे आदर जी कि वो मानसिक गुलाम है जी। जो व्यक्ति मानसिक गुलाम होता है, जैसे उदाहरण देता हूँ कि व्यक्ति घर बनाता है, बहुत सुंदर लोहा लगाएगा, बहुत सुंदर सीमेंट लगाएगा, लेकिन एक बाहर नजरोटा लगा देता है जी जी। उसका ये रहता मानना कि नजरोटे की वजह से मेरा घर को अब नजर नहीं लगेगी, तो ये पागलपन है, महा अंधविश्वास है। तो अशिक्षा की वजह से अंधविश्वास आया। अब मुझे उम्मीद है कि शिक्षित समाज बनेगा, लोग वैज्ञानिक पद्धति को जानेंगे, विज्ञानवादी बनेंगे, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। मंत्री जी, अंधविश्वास पर अधिकांश भारतीयों का एक विश्वास होता है जी, जो कि शायद निराधीन, जिसका कोई आधार नहीं जी। इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? भारत में अंधविश्वास इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ लोग ईश्वरवादी ज्यादा है। जब यहाँ विकासवादी लोग हो जाएंगे तो अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं रह जाएगा। और एक लॉबी है जी जी, जिसका अंधविश्वास व्यापार है जी। भारत में कुछ % लोग हैं, उनका अंधविश्वास व्यापार है। क्योंकि अंधविश्वासी लोग नहीं होंगे तो उनका व्यापार बंद हो जाएगा, तो ऐन केन प्रकारेण वह व्यक्ति अंधविश्वास को फैलाने में सहायक होता है। पत्रकारिता, जैसे आप पत्रकार हैं, तमाम पत्रकार, बड़े बड़े टीवी चैनल भी अंधविश्वास को परोस रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया कहाँ चली गई और ये अंधविश्वास परोस रहे हैं। आप लगातार विदेशों में भ्रमण करते हैं जी, उनकी संस्कृति, वहाँ पर धर्म, व्यापार, हर क्षेत्र की लगभग जानकारी आप कवर करते हैं जी। क्या भारत की तरह विदेशों में भी अंधविश्वास व्याप्त है? सबसे अधिक अंधविश्वासी भारत में ही रहते हैं, और इसके लिए भी जिम्मेदार है यहाँ का ईश्वरवाद, इसके लिए जिम्मेदार है व्यापार, क्योंकि अंधविश्वास पाखंड यहाँ के लोगों का व्यापार है, मूर्ति पूजा यहाँ के लोगों का व्यापार है जी जी। तो और वो तत्काल ईश्वर से मिला देते हैं, उनके जीवन में तरक्की आ जाती है, ऐसी मनगढ़ंत अवधारणाओं से आदमी जी रहा है। तो विदेशों में कहीं अंधविश्वास नहीं है, लोग बिल्कुल वहाँ के विज्ञानवादी हैं और विकासवादी लोग हैं। वर्तमान में बौद्ध धर्म भी अंधविश्वास से अछूता नहीं रहा है जी, जिसको शायद आप बखूबी समझते होंगे जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि बौद्ध धर्म में अंधविश्वास किस नज़र से देखा जा रहा है और कहाँ तक ये पनपा है? देखिए, तथागत भगवान बुद्ध ने अंधविश्वास को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया।
हाँ, तथागत बुद्ध के बाद जी एक जो लॉबी तैयार हुई, जो साहित्य लिखा गया, धम्म को दो जगह बांटा गया, एक हीनयानी परंपरा में, एक महायानी परंपरा में। तो जो महायानी परंपरा है उसका जो लिखने का काम किया गया ब्राह्मणों के द्वारा किया गया संस्कृत भाषा में, और हीनयानी परंपरा का जो लेखन का कार्य किया गया वो पाली भाषा में किया गया और यहाँ के बहुजन समाज के भिक्षुओं के द्वारा किया गया। और ब्राह्मण जहां प्रवेश कर जाएगा वह अंधविश्वास फैला देता है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता है तभी वो ईश्वर का प्रतिनिधि है जी। तो इसलिए उन्होंने इसमें डाला। हालांकि बहुत सारे बुद्धिज्म के लोग भी अंधविश्वासी हो गए हैं, लेकिन पहले बुद्धिज्म अंधविश्वास नहीं था। अभी आपने मध्य जी शिक्षित की बात की जी, अशिक्षितों के साथ साथ शिक्षित लोगों में भी यह विश्वास पनप रहा है जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो विकासवाद को पढ़ लेंगे, वो ये मान लेंगे कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, इस दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ है, तो उनके सारे अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। ये समझने की बात है, जानने की बात है। मंत्री जी, अंधविश्वास एक जानलेवा भी बनता जा रहा है। वर्ष 2018 जनवरी में जी तेलंगाना के हैदराबाद में एक शख्स की घटना आई थी कि एक तांत्रिक के कहने पर उसने अपने बच्चे की बलि दे दी थी जी जी। तो ये घटनाएं आज वैज्ञानिक युग में हो रही हैं, दुनिया तरक्की कर रही है जी, कहाँ तक तार्किक है, कहाँ तक इनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बलि चढ़ा देना ये ईश्वरवादी लोगों का ही घिनौना कृत्य हो सकता है, क्योंकि चूँकि वो मानता है कि दुनिया किसी ने बनाई है और ऐसा करने से वो खुश हो जाएगा, ये उसकी मनगढ़ंत अवधारणा है, पागलपन है, इससे हम बीमारी कहते हैं जी। दुनिया के ईश्वर को ना कोई भगवान है जिसे आपका खून चाहिए, ना आपका भोजन चाहिए, ना खाना चाहिए। ये लोग श्रद्धा, बस ये श्रद्धा चूंकि यहाँ महत्वपूर्ण है, यहाँ जानना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ श्रद्धा महत्वपूर्ण है, इसलिए सब हो रहा है। लेकिन इस पर रोक लगे, सरकार कदम उठाए और आप जैसे पत्रकार कदम उठाए, हम जैसे बौद्ध भिक्षु कदम उठाएंगे, तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से अंधविश्वास खत्म होगा। अभी हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ मंथ पहले जी कर्नाटका में एक प्रकरण आया था कि एक अफसाना नाम की महिला थी, उनको किसी ने बताया कि जी मजारों पर रहेंगी तो उनको हृदय ऐसे रोगों से मुक्ति मिलेगी जी जी जी। अमूमन भारत में कई ऐसी भ्रांतियाँ आती हैं कि आप कहीं मंदिर पर चले जाइए, कहीं मस्जिद में चले जाइए, बौद्ध धर्म में भी ऐसी भ्रांतियाँ आ रही हैं कि जी आप मठों पर चले जाइए तो कई रोगों से मुक्ति मिल जाएगी जी। इस समस्या को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में मूर्ति पूजा की भी इजाज़त नहीं थी। तथागत भगवान बुद्ध की स्टैचू 400 वर्ष तक नहीं बनी। कुषाण राजा सम्राट कनिष्क जब यहाँ के शासक बने और उन्होंने जब पहली बार सिक्के छपाए, तो एक में चंद्रमा, एक में सूर्य, एक में अपनी देवी और एक में बुद्ध का चित्र छपाया, तो पहली बार काल्पनिक चित्र बुद्ध का छपाया गया। जो परंपरागत बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग थे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, और चूंकि बुद्धिज्म में चैत्य पूजा होती थी, चैत्य जिसे स्तूपा कहते हैं, उन्होंने विरोध किया, लेकिन चूंकि राजा के सामने चल नहीं पाई तो धीरे 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 मूर्ति पूजा एडजस्ट हो गई। लेकिन जैसी अन्य जगह मान्यता है कि मूर्ति हमारा वक्त बदल देगी, मूर्ति हमें बच्चा दे देगी, हम ईश्वर की आराधना कर देंगे, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, ऐसी बुद्धिज्म में भ्रांति नहीं है। हम बुद्ध को प्रतीकात्मक मानते हैं कि बुद्ध ऐसे थे, उन्होंने ऐसा हमें दर्शन दिया है, इसके माध्यम से जीवन मेरा उज्ज्वल हो सकता है और कल्याणकारी हो सकता है। अभी आपने मंदिर जी हमारे दर्शकों को बताया कि अंधविश्वास के प्रति सरकार को कदम उठाए जाने चाहिए जी। अमूमन समाज में ऐसा होता रहा है, अंधविश्वास के खिलाफ कई क्रांतिकारी लोगों ने कदम उठाए हैं जी, जिनको काफी बड़े बड़े विरोध का सामना करना पड़ा जी जी जी। आखिर कैसे इस जंग को खत्म किया जा सकता है? विज्ञानवादी सोच के लोग, विकासवादी सोच के लोग जब इस देश की सत्ता पर आएंगे तो कदम उठाया जा सकता है। जब तक अंधविश्वास, किसी पाखंडी और जातिवाद मानने वाले, ऊंच नीच वाले मानने वाले लोग जब तक राजा, सम्राट, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, अंधविश्वास कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानबूझकर के परोसते हैं। देश का प्रधानमंत्री खुद घंटा जाके हिलाता है, जब घंटा खुद हिलाता है तो बेचारा गरीब आदमी सोचता है कि प्रधानमंत्री हो सकता घंटा हिलाने की वजह से बन गया हो, तो बेचारा गरीब आदमी घंटा हिलाता है सुबह। तो यहाँ का देश का जो राजनेता है, प्रधानमंत्री खुद अंधविश्वास परोस रहा है, तो कल्पना हम कर सकते हैं कि विकासवादी व्यक्ति और विज्ञानवादी व्यक्ति आए तो देश को आगे ले जाया जा सकता है। शिक्षा वैज्ञानिक तकनीकी युक्त होनी चाहिए जी। ऐसी प्राविधिक शिक्षा को अगर हम वर्तमान शैक्षिक पद्धति में शामिल करें तो क्या इस समस्या से निजात मिल सकती है?
आदरणीय पत्रकार महोदय जी, आदर्श जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आप इस मुहिम में हम लोगों का साथ दे रहे हैं, हमसे सवालात कर रहे हैं। जी, एक बात हम आपको बता दें, भारत के संविधान में जन्म से लेकर के 14 साल की उम्र तक के लिए शिक्षा का निःशुल्क प्रावधान है। जी बिल्कुल। अब सरकारें जब हमें अच्छे स्कूल्स नहीं दे पाई, अच्छे कह सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं दे पाई, अच्छे हमें सैनिक स्कूल्स नहीं दे पाई, केंद्रीय विद्यालय नहीं दे पाई, तो पब्लिक ने खुद अच्छे अच्छे स्कूल बनाए। जी, पब्लिक स्कूल्स, बड़े बड़े मॉन्टेसरी स्कूल, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस देश भारत में सिर्फ 5 लाख लोग सरकार की योजना जैसे नवोदय और सैनिक विद्यालय पढ़ते हैं, जबकि बचपनों की जो बच्चे हैं उनकी संख्या है इस समय 20 करोड़। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक समान शिक्षा लागू कर दे। विचार करिए आदर्श जी, हम जब परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर एक जैसा होता है। जी बिल्कुल। एक बच्चा पढ़ के आया थाली बजाने वाले स्कूल से और एक बच्चा पढ़ के आया है डीपीएस स्कूल से, तो बताइए अंतर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डिफरेंट। ये दोहरी मानसिकता के लोग भारत में जब शासन कर रहे हैं तो कैसे उम्मीद करेंगे भारत ऊपर तक जाएगा? तो हम तो समान शिक्षा के पक्षधर हैं और अंधविश्वास खत्म करें सरकार इसके पक्षधर हैं। इस देश को अगर बहुत मुकाम तक ले जाना है तो शिक्षा को और अंधविश्वास को भगाना पड़ेगा और बेहतर शिक्षा को लाना पड़ेगा। समाज के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो हमारे दर्शकों को आप दे सकते हैं। समाज के लिए मेरा यही संदेश है, सभी लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, आधा रोटी खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों पर ध्यान दें, संगति पर ध्यान दें, एकता पर ध्यान दें और व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो सारे लोग आगे बढ़ेंगे, हर व्यक्ति यहाँ रोजगार युक्त होगा, हर व्यक्ति के पास यहाँ घर होगा, हर व्यक्ति यहाँ खुश होगा, तभी हम भारत को बेहतर भारत बना सकते हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धन्यवाद। अब मंत्री जी, अभी हम बात कर रहे थे अंधविश्वास जैसे गंभीर मुद्दे पर, आपने हमारे स्टूडियो को कीमती समय दिया, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।